कोविड 19 दे नवे वेरिएंट दा पहला मरीज सामने आया है। जीएन एक वेरिएंट दा मरीज दिल्ली दे विच पाया गया है। हुण तक दिल्ली दे विच इस वेरिएंट दे 9 मामले सामने आ चुके ने। पहलियां कोरोना वेव्स दे विच कई कीमती जाना मौत दे मुंह दे विच चलियां गईयां सी, ते राजधानी दे विच वी इसने वड्डा कहर अपना बर पाया सी। ते हुण दिल्ली दे विच नवे वेरिएंट दा एक केस सामने आया। पहला केस दिल्ली दे विच नवे वेरिएंट दा सामने आया। हालांकि सेहत विभाग कह चुके कि अपने वालों पुख्ता इंतजाम किए जा चुके ने, घबराने की लोड़ नहीं है, पर लोगों के अंदर फिर भी डर है जिहड़ा बैठा हुआ है कोरोना तो बाद। दुनिया के 35 से 40 देशों से होते हुए भारत में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। केरल से लेकर दिल्ली तक मामले रिपोर्ट हो गए हैं। पिछले ढाई हफ्ते में 23 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि ये मौतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये लोग पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार थे और इनमें कोविड भी पॉजिटिव था। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लगातार 300 से ज्यादा मामले पिछले एक हफ्ते से रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार का ये कहना है कि RT-PCR टेस्टिंग को बढ़ा दिया जाए। तो इस वक्त हालात क्या है, कितने लोग किस तरह के टेस्ट पर रिलाई कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, ये समझने के लिए हम डॉक्टर समीर भाटी से बात करते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा RT-PCR लोग नहीं करा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए, जब से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट शुरू हुआ है, जिसकी वजह से हम भारत में बात कर रहे थे कि थर्ड वेव का कारण वही बना, और एक थोड़ा सा इसमें लोगों का धारणा है कि ये माइल्ड वेरिएंट ही है और थोड़े दिन आपको सर्दी खांसी जुकाम रहेगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो अभी पिछले अगर हम 1.5-2 साल से करें तो टेस्ट लोगों ने कराने कम शुरू कर दिए हैं। और दूसरा बड़ा कारण है कि अब होम टेस्टिंग भी उपलब्ध है, तो लोग घर पे भी टेस्ट कर लेते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्क्रीनिंग है, ओवरऑल टेस्टिंग है, RT-PCR की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट के स्तर पे RT-PCR बढ़े हैं क्योंकि उसके ज़रिए ही हमें आगे जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने होते हैं। तो ओवरऑल जनरल वॉक इन पेशेंट कोविड टेस्टिंग के लिए कम हुए हैं। हाँ, पर साथ के साथ ये भी है कि जैसा आजकल क्या होता है कि हमारे पास टेस्ट इस तरह से उपलब्ध है कि उसमें आप सब तरह के रेस्पिरेटरी वायरसेस को भी चेक कर सकते हो। जैसे फिलहाल अभी हम देख रहे थे कि एडिनो वायरस या RSV ये सब बढ़ रहे थे, तो एक ही टेस्ट के जरिए हम ये सभी तरह के रेस्पिरेटरी वायरस स्क्रीन कर लेते हैं। और उसमें कोविड टेस्ट भी होता है, जैसे H1N1, H3N2, RSV, एडिनो वायरस और कोविड, क्योंकि हमारे पास हम साथ के साथ देखते हैं कि निमोनिया के केसेस भी बढ़े हैं कि नहीं, तो वो फिलहाल नहीं बढ़े हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है उन पेशेंट्स का RT-PCR टेस्ट किया जाना चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है वो कहीं कोविड के नए वाले स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है या नहीं। बिल्कुल, और सरकार की फिलहाल जितनी जो डेटा बता रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग का, वो ये बता रहा है कि 23 से ज्यादा मरीजों में JN.1 वेरिएंट पाया गया है, और ये जीनोम सीक्वेंसिंग सभी RT-PCR कोविड पॉजिटिव सैंपल्स के लिए फिलहाल चल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये म्यूटेशन भारतीयों को कितना परेशान कर रहा है। फिलहाल सरकार का यही मानना है कि सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की या परेशान होने की जरूरत अभी तक नहीं आई है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।